the government to take a very positive decision to go on AP. Sri Mulayam Singh. आदर्श महोदय प्रश्नकाल में हम लोगों को मजबूर होकर के सवाल उठाना पड़ा था और इसलिए उठाना पड़ा कि इसकी अंतिम तारीख अपील करने की 12 अगस्त है और इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से भी हमने कोशिश की जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित मिनिस्टर हैं या जो भी हैं सबसे मिलकर के अनुरोध किया और उन्होंने अभी तक अपील नहीं की। तब आपके सामने इंसाफ के लिए हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चन आवर्षित समय बाधा डाली, ये मजबूर होकर डाली, इसे मानवर उसको आप अन्यथा नहीं लें। इसमें नेता विरोधी दल माननीय प्रभात साहब ने और सोमनाथ चटर्जी साहब ने विस्तार से सारी बातें बता दी। एक व्यक्तिगत रूप से कि लालू प्रसाद जी के अगर खिलाफ कुछ लोग हैं या नेता हैं इस वजह से अपील नहीं होगी और आप इस वक्त 17-2-3 दिन का है, उस वक्त हम आपके माध्यम से इंसाफ ले सकते हैं, ये उम्मीद हमको है। इसलिए हम आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये लालू प्रसाद जी का सवाल नहीं है और जानबूझ करके लालू प्रसाद जी का सवाल है, इसलिए कुछ नेता हैं जैसे प्रश्न अनुरोध करने पर भी वो तैयार नहीं है अपील करवाने के लिए, पता चल रहा है। जहाँ तक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि हम कानूनी राय लेंगे, कानूनी राय ली गई, हमको पक्की रिपोर्ट इस बात की मिल रही है, वो सरकार बताए कि अटॉर्नी जनरल ने राय दे दी है कि इस मामले में अपील होना चाहिए और उसके बावजूद भी ये सरकार अपील नहीं करने जा रही। इतना सा है, जहाँ तक सेना का सवाल है, साहब हम उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, ये मेरे सामने सवाल आया था, हमने कहा ऐसे मामलों में हमारी सेना नहीं जा सकती और किसी की गिरफ्तारी करने के लिए, ये सच्चाई है। सोमनाथ चटर्जी साहब ने कहा केवल हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में हमारी सेना को सम्मान मिला है, जब जब कोई काम किया तब मानव अधिकारों का ध्यान रखा है और मानवता से कभी भी हमारे देश की सेना नहीं हटी है और मानवता का पूरा पालन किया है। आज सवाल एक संस्था का सवाल है, इसे आपसे अपील है कि आप दबाव सरकार पर दें और आज ही घोषणा करवाएं कि 12 अगस्त से पहले अपील होगी। नो द मिनिस्टर यू वांट